हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज हम मोमोज लेके आए हैं। तो इतना हेल्दी भी है ये, जैसे बाहर से खाने से उतना हेल्दी नहीं है, लेकिन घर पे बनाइएगा तो हेल्दी होगा। तो यहाँ पर एक कटोरी हम ले लिए हैं गोभी, पत गोभी, और फिर एक कटोरी लिए हैं गाजर, और फिर एक कटोरी मूली ले लिए हैं, और फिर आधा कटोरी हम प्याज ले लिए हैं, और 2-4 ठू हम लाल हरा मिर्ची ले लिए हैं, और एक टुकड़ा हम आदि लिए हैं। तो इसको हम घिस दे रहे हैं, तो घिस लिए हैं, और फिर इसमें हम चाट मसाला दे रहा है, जीरा पाउडर दे रहा है, कश्मीर के लाल मिर्च दे रहा है, चिली फ्लेक्स दे रहा है, फिर एक काली मिर्च दे दिए 1 चम्मच, सारी धनिया पाउडर 1 चम्मच दे दिए हैं, फिर इसमें हम आधा नींबू निचोड़ के दे देंगे। तो ये देने के बाद लास्ट में हम दे देंगे कालो नमक स्वाद अनुसार, और फिर इसको हम मिलाएंगे बढ़िया से। तो इस तरह से आप बनाइए, बच्चे लोग के बड़ा प्रेम से खाएगा, और हेल्दी भी है। बाहर से खाना से अच्छा है आप घर पे बना के खियाइए। तो फिर इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, और यहाँ पर हमें 2 कटोरी मैदा ले लेंगे आपके हिसाब से, आपके कोई माप तोल नहीं है। फिर ऊपर से थोड़ा सा नमक दे के, हम थोड़ा थोड़ा पानी दे के ये हम गोत लेंगे। तो एक बैग ज्यादा पानी मत दीजिएगा, जब भी आप लोग आटा गूंथिएगा तो थोड़ा थोड़ा करके पानी दे के गोत लीजिए। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा तरह से बन गया है। तो 10 मिनट के लिए हम ढक के रख दे रहा है। यहाँ पर जो सब्जी हम बना है मोमोज के लिए, तो ये देखिए पूरी तरह से हमारा इसमें मसाला मिल गया है। तो फिर यहाँ पर एक टू कटोरी ले लिए हैं हम, और इसमें जालीदार एक टू कपड़ा लिए हैं, और ये सब्जी पूरा इसमें हम रख देंगे। तो ये पूरा सब्जी हम रख दिए हैं, और फिर इसको हम मोड़ देंगे, इसमें से जितना पानी है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हम नसोड़ देंगे। लेकिन हाँ दोस्त, देखते रहेगा, ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी काम करेंगे। तो ये हम एक तो बर्तन में फिर रख दिए हैं। देखिए कितना मस्त हमारा बन चुका है मोमोज के सब्जी। तो फिर यहाँ पर ये हम फिर आटा जो लिए हैं, तो थोड़ा सा हम इसमें से ले लेंगे आटा, और फिर इसको हम थोड़ा सा सूखा आटा दे के रोटी बना लेंगे। तो बनाने के टाइम भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जब भी इसे चिप जाएगा थोड़ा सा आप पीछन ले लीजिएगा। तो रोटी हमारा बन के तैयार हो गया है। तो हम एक गिलास लिए हैं, एक गिलास से दे के काट रहा है, तो आप कोई भी चीज़ से काट सकते हैं। तो हम एक गिलास से काट लिए हैं, और जो इतना बचे हैं उसको हटाए दे रहा है। यहाँ पर एक लेके हम इसमें मसाला भर रहा है। तो आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आप चाहें वही तरह से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बाने हैं, तो हम इस तरह से हम डिज़ाइन दिए हैं, बहुत छोटा छोटा करके हम बनाए हैं। तो आप लोग बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है पूरा। और फिर यहाँ पर हम एक टू प्लेट ले लिए हैं जालीदार, उसमें हम तेल लगा के पहले से रख दिए थे, और उसमें पूरा रखें, और ये पानी हम एक कटोरी में रख दे रहा है। और यहाँ पर कढ़ाई में पानी दिए हैं, गर्म हो चुका है, उसका अंदर इसको छोड़ दिए हैं, और जो प्लेट में मोमो रखे हैं वो प्लेट भी इसमें रख दिए हैं, और फिर ऊपर से 5 मिनट के लिए ढक के हम रख देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हमारा पूरा हो चुका है, और ये मोमो पूरी तरह से पक चुका है। तो इसको हम हटा लेंगे, तो ठंडा होने के लिए मतलब रख देंगे, और ये पानी भी इसमें से हम निकाल के लेके आए हैं। तो इस तरह से आप लोग घर पे बनाइए। मोमो हमारा ठंडा हो चुका है, तो आप किसी के साथ अब खा सकते हैं, कोई भी चटनी के। तो ये हमारा जूस देखिए, ये भी है। तो पहले नंबर हम आपको तोड़ के दिखाई दे रहा है किस तरह से हमारा ये मोमोज बने हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया बन चुका है, बहुत मज़ेदार है खाने में है। तो इस तरह से आप लोग खाइए, पहले मोमो लीजिए, चटनी में बोल लीजिए, और फिर ये जो है सूप है, थोड़ा सा सूप लीजिए, पहले मोमो खा लीजिए और थोड़ा सा सूप पी लीजिए। तो थैंक यू इस तरह से जो